दो कनाल का घर बुलंदशहर टाउन लाहौर में बन रहा है, और ये अब मतलब कि फिनिशिंग हो रही है इस घर की, और 15-20 दिन में ये घर तैयार हो जाएगा। तो ये आज अब मैं आपको व्लॉग जो दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि हम कैसा काम करते हैं, और हमारे काम का एक स्टैंडर्ड है, और हम जो काम करते हैं अच्छा करते हैं। तो ये हमारी बैक साइड पे आप फ्रंट देख रहे होंगे, ये फ्रंट एलिवेशन देखें, ये अभी पेंट हो रहा है, इस पर सारी ना स्टीको पेंट होना है। तो ये सारे मोज़ाइक में ये बने हैं, ये पिलर्स बने हुए हैं, और ये फ्रंट सारा जो है ना स्टाइलिश और तुर्किश घर बना हुआ है, और जैसे कि विक्टोरिया डिज़ाइनर ने, ये विक्टोरिया डिज़ाइन ऐसे घर बाय यूरोप कंट्रीज़ में बनते हैं। अब मैं घर का आपको अंदर से व्यू दिखाऊंगा। ये हमने जो रॉट आयरन का ये गेट बनाया है, और इसमें ये सारा ये ढलाई में काम हुआ है, और ये हैवी चादर में बनाया है। ये देखिए इसकी वज़न भी काफ़ी हैवी है, ये गेज अच्छी वाली गेज लगाई है। अब ये हम पोर्च एरिया में खड़े हैं, ये पोर्च एरिया जो है ना 5 से 6 पार्क गाड़ियाँ हो सकती हैं बड़ी, और ये 7 लॉन है, और ये मेरी साइड पे इधर प्लांटर्स के लिए हमने डिज़ाइनिंग की है, इसमें सारे ये प्लांटर्स लगेंगे। और ये पोर्च है, ये पोर्च में ये सारी सीलिंग देखें कैसी आउट क्लास सीलिंग हुई हुई है, और ये जो आपको पिलर नज़र आ रहे हैं ये सारे RCC में तैयार हुए हैं, RCC लेंटर में इसको हमने तैयार किए हैं, और ऊपर भी ये RCC लेंटर डाला है। और पीछे ये मेरे आप पीछे ये निश देख रहे हैं, ये निश में आयत लिखी हुई है, ये मोज़ाइक में लिखी हुई है। अब मैं आपको घर का एंट्रेंस दिखाऊंगा, लॉबी एरिया दिखाऊंगा। ये अब हम ये स्विमिंग पूल बना है, और ये सारा लॉन एरिया है, ये स्विमिंग पूल है, और ये और अब मैं आपको ये हमारी लॉबी है, और ये लॉबी डबल हाइट पे इसकी लेंटर पर है ऊपर, ये सारा देखें ये रॉट आयरन में ये जंगला लगा हुआ है सारा, और उस साइड पे हमने वो सारे पिलर्स दिए हैं, ये सारे ये पिलर्स दिए हैं, इनको सारा वाइट पेंट होगा, और बीच में ये सारी रॉक वॉल होगी। ये अब मैं आपको ये नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, ये आप देखें ये हमारे नीचे ये फ्रेश में हमने ना 32x32 की टाइल लगाई, और ये डिज़ाइनिंग की है, और ये प्लांटर्स के लिए क्यारीज बनाई हैं इधर, और ये देखें ये मेन गेट है सॉलिड एशवुड में ये तैयार हुआ है, इसमें ये शीशा लगेगा, मिनर्स लगेगा, ये सॉलिड जो है ना इसकी सॉलिड एशवुड है लकड़ी जो हम लगा रहे हैं। अब ये डबल हाइट पे इसका ये स्टेयर्स हॉल है, और ये स्टेयर्स हॉल की ये बहुत बड़ी आउट क्लास लॉबी आप देख रहे होंगे आपको नज़र आ रही है, इसका डबल हाइट पे लेंटर डाला है, और ऊपर ये सारा ये सीलिंग का काम किया है, और वो देखें वो डूम बना है उसमें डबल हाइट का चैनल लगेगा। और ये आपको ये लॉबी है, और इसकी साइड पे ये ड्राइंग रूम है, अभी ये हमारा काम हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सारा ना अभी काम वुड्स का हो रहा है और अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये डाइनिंग रूम ड्राइंग रूम है, और वो डाइनिंग रूम है, और ये देखें ये एशवुड हम जो लकड़ी लगा रहे हैं, ये आपको दिखाने का मकसद ये होता है, ये देखें ये कैसी एशवुड में ये लगा रहे हैं हम, और ये सोलर दरवाज़ा देखें एशवुड में तैयार किया, इसके अंदर सारा शीशा लगेगा, मिनरल्स का ये काम होगा इसके। और अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये डाइनिंग रूम है, ये डाइनिंग रूम में भी इसमें सारा ये DNC काम होगा, गुलाई में ये सारा DNC काम होगा, और इसके अंदर ये सारा शीशा लगेगा। तो मेरा आपको दिखाने का मकसद होता है कि हमारे काम का स्टैंडर्ड है। ये देखिए हमने ये स्टेयर्स हॉल में ये सारा जंगला लगा हुआ है, ये ऊपर सारा हाइट पे देखें कैसा अच्छी लुक दे रहा है। ये दो कनाल का स्पेनिश घर है जो स्टाइलिश घर आजकल बन रहा है। तो ये किचन है, ये किचन है, और साथ डैटी किचन है इसके,
और ये देखें ये ऊपर हमने ये कुरियान में ये बनाई है, इसकी लटक है, और ये ऊपर देखें ये साफ़ सुथरी ये 1.5 इंच इसकी लटक है, और ये ऊपर आप देखें ज़रा। और फिर इसके अंदर भी हमने टाइल लगाई है कि कल को इसकी सलाब नहीं आएगी। इसके अंदर सारे ये जो बैक है ना ये सारा पॉपुलर में लगाया है। और ये डैटी किचन है, तो मेरा आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि AM बिल्डर कैसा काम करके देते हैं और कैसा काम करते हैं, अपना काम का एक स्टैंडर्ड है। ये बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। ये वॉशरूम है और इसकी ड्रेसिंग भी अंदर ही है। इसके ऊपर ये चकूजी आएगी, और ये चकूजी के ऊपर ये देखिए हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इधर ये टप्स के लिए गर्म और ठंडे का पॉइंट दिया हुआ है, और ये बीच में ट्रीम लगाई हुई है टाइल्स में। अब मैं आपको नेक्स्ट ग्राउंड फ्लोर का दिखा रहा हूँ बेडरूम। ये नेक्स्ट बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, और ये पीछे आप देख रहे हैं इसमें सारा ये वॉलपेपर्स लगेगा, ये सारा हमने वुडन में किया है, इसके ऊपर डीको पेंट होगा सारा। ये वॉशरूम है हमारा, ये मास्टर वॉशरूम है, यहाँ पे सारे ये प्लांटर्स के लिए हमने जगह दी है, इसके आगे वारंटी लगेगी, और ये बेंच बनाए हैं, और उधर ये अंडरग्राउंड इसमें जकूजी लगेगी, और ये शावर एरिया, ये ब्लैक और गोल्डन का इसमें टच दिया है, उसमें DNC लकड़ी का काम होगा, ये जो जगह छोड़ी है ना इसमें DNC लकड़ी का काम होगा, और इसमें रूप लाइट लगेगी। तो मेरा आपको ये ड्रेसिंग है इसकी, और ये देखें ये सोलर दरवाजे हैं, ये बीच में हमने गोल्डन कलर की ये ट्रिम दी है, ये बीच में आपको ट्रिम नज़र आ रही है गोल्डन कलर में। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा। ये देखिए हमारे ऊपर सीलिंग का भी विक्टोरिया डिज़ाइन सीलिंग हुई हुई है। अब आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर का तीसरा बेडरूम है, और ये हमारी वारंटी पड़ी हुई है, ये तैयार होके आ गई हैं, ये अब हम तैयारी पे हैं, तो एंड पे ये लगेंगी। ये इसका वॉशरूम है, इसके वॉशरूम में ये लाइट और डार्क का कम्बिनेशन किया है, ये डार्क टाइल है, इसके साथ लाइट का कम्बिनेशन किया है। और ये हमारे कंसीट बेड, इधर कमोड लगेगा, ये उसकी मशीन दी हुई है सारी, ऊपर ये कुरियान का सारा लगा हुआ है बॉर्डर। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाऊंगा, और फर्स्ट फ्लोर से आपको ये हमारा टीवी लॉन्च है, ये टीवी लॉन्च है, अभी सामान पड़ा हुआ है तो वो आगे वर्कर काम कर रहे हैं। ये स्टोर है, बॉक्स रूम है ये छोटा सा, और ये देखें ये सारा हमने रॉट आयरन में मजबूत ये रेलिंग बनाई है, और ये डिज़ाइनिंग भी अच्छी की है, लेटेस्ट जो आजकल चल रही है। ये अब आपको मैं फर्स्ट फ्लोर पे दिखा रहा हूँ, इसमें देखें आपको कैसी लुक नज़र आ रही है, ये पिलर्स दिए हुए हैं, और ये कैसी आउट क्लास लुक नज़र आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पे ये हमारा मिनर्स लगेगा। उसके बाद ये ऊपर टीवी लॉन्च है, ये मीडिया वॉल बनाई है, इसमें सारा ये मिनर्स लगेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम है, और ये उसके साथ ये वॉशरूम है अटैच, इसमें वाइट सारा कम्बिनेशन दिया है, वाइट गोल्डन का कम्बिनेशन दिया है, इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो गोल्डन है और ये वाइट है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, इसमें जब डबल हाइट का शैनल लगेगा बड़ा खूबसूरत लुक देगा, और ये सारे देखें ना हमने जंगले लगाए हैं,
देखिए कैसा ये DNC ये सारा काम हुआ है, ये एक्सपेंसिव हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम है, तो ये घर जब मज़ीद और नेक्स्ट तैयार हो जाएगा तो फिर आपको इसकी दोबारा मैं व्लॉग दिखाऊंगा। इधर ये सारा पीछे छपक्के में काम होगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसी तरह आप मुझे दुआओं में याद रखा करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। मैं आपको रोज़ अच्छी से अच्छे व्लॉग दिखाता हूँ जिसमें मेरे प्यारे व्यूवर्स का फ़ायदा हो सके। तो ये आपको काम दिखाता हूँ कि हमारे काम का स्टैंडर्ड है, हम काम अच्छा करते हैं। तो किसी ने भी ऐसा घर बनवाना हो या घर खरीद परचेज़ करना हो तो वो AM बिल्डर फैसल लतीफ़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ज़्यादातर साइडें लाहौर में चलती हैं, तो आपको मैं विज़िट भी करवा सकता हूँ। तो ये घर हमारा फोर सेल के लिए है। तो किसी ने ये घर खरीदना हो, परचेज़ करना हो, तो AM बिल्डर फैसल लतीफ़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर ये घर तैयार हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट आपको इसका व्लॉग और दिखाऊँगा। तो आप मुझे दुआओं में याद रखा करें और बेल पुश का बटन लाजमी दबा दिया करें, मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को पूरा शेयर किया करें। कुछ बीच में थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो जाती है वीडियो बनाते, तो वो कैमरे में कुछ थोड़ा बहुत सा मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपके लिए माजरा चाहता हूँ। तो मुझे दुआओं में याद रखें। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको फिर दिखाऊँगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।